हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया आज बात करने वाली हूँ कि एलोवेरा जेल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अनगिनत फ़ायदे वाले एलोवेरा जेल में होते हैं एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो कि स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बातों को ख़त्म करते हुए चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है एलोवेरा की ऐसी ही मैच्योर लीफ, छोटी लीव्स नहीं लेना है क्योंकि उसमें जो फ़ायदेमंद तत्व होते हैं वो नाममात्र के होते हैं। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लास एलोवेरा लीफ को, मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे मैं इस तरीके से उल्टा करके ग्लास में छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो इसका येलो उसमें से जेल निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, और उसे रिमूव करके ही हमें इसे स्किन पर यूज करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसमें इसका येलोइश पार्ट निकल चुका है। ये ग्लास येलो है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहले तरीके में एलोवेरा के लीफ को हमें लेना है, इसके साइड वाले पार्ट को चाकू की हेल्प से कट करके निकाल लेना है, और उसके बाद लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है इस तरीके से। और अब इसको मैं इसके लीफ के साइड वाले पार्ट को निकाल के इसका जो जेल है उसे मैं निकाल लूंगी ऐसे। ये देखिए, इस जेल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बाउल में स्टोर कर ले रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा लीफ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी जेल लेके कट कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में था तो मैं शो करने के लिए थोड़ा ही यूज कर रही हूँ, और इस वाले बाउल में मैं एलोवेरा के लीफ को ऐसे ही कट कर ले रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि इस एलोवेरा के लीफ के कट के पार्ट को या फिर जो जेल है उसको हमें किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या जिपलॉक बैग में डाल करके फ्रिज में स्टोर कर लेना है, और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो तो फ्रिज से आधा घंटा पहले निकाल करके हम इसे स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड सबसे इजी और बेस्ट है, इसमें किसी भी प्लास्टिक के रैपर से हमें रबर बैंड से इसे बांध करके रख देना है इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसे 6-7 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो फ्रिज में से निकालना है और आप बालों पे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड तरीके में भी आपके इसके साइड पार्ट को निकाल लेना है जो कांटेदार वाला है, और ऐसे इसके स्किन को हमें रिमूव कर देना है, और स्पून या जिससे हम आलू छीलते हैं उस पिलर की हेल्प से इसके जेल को जो है निकालना है। मेरे लिए बेटर होता है ये आलू छीलने वाले पिलर के हेल्प से इसको निकालना, इसे स्क्रैच हो के थोड़ा थोड़े पार्ट में निकल जाता है और ग्राइंड करने में इजी रहता है, और इस तरीके से इसमें जेल को मैं सारे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ऐसे लीव में जो जेल का पार्ट है वेस्ट नहीं जाता और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं इसको अभी आपको शो करूँगी तुरंत, ये देखिए एकदम अच्छे से ये क्लीन हो चुका है, और अब मैं इस जेल को बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि इस जेल को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और अब ये देखिए ये कितना अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इसका जो भी हल्का फुल्का बड़ा पार्ट है खुरदुरा वो निकल जाए, और ऐसे इसमें मैंने बाउल में निकाल लिया है, और अब मैं इसे एक आइस ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आइस ट्रे में करके आप इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी यूज करना हो तो थोड़ा पहले निकाल के आप डायरेक्टली इसे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्मियों के लिए ये बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इसे मैं मुझे फ्रीजर में नहीं रखना है, और इसे मैंने फिर से बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई की कैप्सूल, जो इवियन कैप्सूल होता है वो बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है मेडिकल स्टोर पर, और इनमें से 2 कैप्सूल निकाल के मैं इसे आल्पिन की हेल्प से पंच कर लूँगी, और अब मैं इसे एलोवेरा जेल में डाल लूँगी। बहुत से लोग मार्केट का लुक देने के लिए इस जेल में
कॉर्नफ्लोर या अगर अगर का यूज करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो हेल्थ के लिए सही होता है। विटामिन ई अपने आप में स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब इस जेल को कुछ और ना मिक्स करते हुए इसमें मैं इसे कांच के एक बर्तन में भर लूँगी। कांच का या प्लास्टिक का बर्तन ही स्टोर करने के लिए यूज कीजिए, स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं। और अब इस जेल को बहुत आराम से हम 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।